आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ई कॉमर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं और यह आज कितनी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? क्या आपने कभी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु जैसे कि मोबाइल, जूते, कपड़े आदि को खरीदा या बेचा है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपने ई कॉमर्स में हिस्सा लिया है। अगर साधारण भाषा में बोले तो इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी वस्तु को इंटरनेट पर बेचते या खरीदते हैं तो यह ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहा जाता है। ई कॉमर्स के चार बुनियादी प्रकार हैं। पहला, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। यहाँ पर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सीधे अपने ग्राहक को सामान बेचता है। उदाहरण के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड फर्स्ट क्लिक आदि किसी वेबसाइट से कोई सामान जब परचेस करते हैं या खरीदते हैं तो यह B2C की श्रेणी में आता है। दूसरा, बिजनेस टू बिजनेस B2B। कोई एक बिजनेस कंपनी जब किसी दूसरी बिजनेस कंपनी के साथ बिजनेस करती है तो यह B2B की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसी होलसेलर को सेल करती है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं और यह B2B की श्रेणी में आता है। तीसरा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C। जब कोई एक कंज्यूमर अपने उत्पाद को दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से बेचता या खरीदता है तो यह C2C की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए OLX। OLX पर दो व्यक्ति अपने सामान को खरीदते या बेचते हैं, इसमें मीडिएटर के रूप में OLX काम करता है। चौथा, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B। इसका एक उदाहरण, एक कंज्यूमर अपनी वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट देता है और कई कंपनियां इसके लिए अच्छी कीमत पर बनाने के लिए ऑफर करती हैं। इसी तरह हॉलीडे पैकेज और इंश्योरेंस भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। आज इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन काफी बढ़ता जा रहा है, जहां एक ओर हमारे इंडिया में करीब 119 करोड़ यूनिक मोबाइल कनेक्शंस मौजूद हैं, जिनमें 48 करोड़ प्रॉपर मोबाइल इंटरनेट यूजर हैं। और ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 3 सालों में यानी सन 2021 में यह आंकड़ा 48 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ होने वाला है। और दोस्तों आज इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन वर्ल्ड के मुकाबले 90% तेजी से हो रहा है और इसलिए आज इंडिया तीसरी बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट है। ई कॉमर्स की मार्केट में पहले नंबर पे चाइना आता है, फिर USA और उसके बाद इंडिया। पर दोस्तों आने वाले समय में जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ कर रहा है और इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो आने वाले भविष्य में दोस्तों इंडिया USA को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। दोस्तों इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के क्षेत्र में ई कॉमर्स काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष 47% तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी तरह कपड़ों के क्षेत्र की बात करें तो ई कॉमर्स इसमें भी 33% पर ईयर की ग्रोथ के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और उसका प्रोडक्ट सीधा उसके घर आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी और बेस्ट है जो हमेशा बिजी रहते हैं। सेकंड, मार्केट में काफ़ी वेबसाइट होने के कारण वस्तुओं के मूल्य की सभी वेबसाइट पर तुलना करके सही मूल्य पर खरीदारी कर सकते हैं। थर्ड, इसके द्वारा कोई व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का प्रोडक्ट हो पर ज़्यादा नेटवर्क और पैसा ना हो तो वो व्यक्ति किसी भी टॉप ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट्स बेचकर अपना फालतू का खर्चा और समय बचा सकता है। फोर्थ, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे कि किसी भी दुकान की पहुंच सीमित होती है, जबकि इंटरनेट के माध्यम से एक बड़े स्तर पर व्यापार किया जा सकता है और कंज्यूमर डाटा को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ई कॉमर्स के और भी बेनिफिट्स हैं। के मुताबिक आने वाले समय में सन 2022 तक इंडिया की 100% पॉपुलेशन में से 41.6% पॉपुलेशन आने वाले समय में डिजिटल शॉपर बन जाएगी। तो दोस्तों आज आपके पास एक सुनहरा मौका है ई कॉमर्स की फील्ड में अपना कैरियर बनाने का और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे भारत में एक शानदार सी कंपनी मौजूद है जो तेजी के साथ इस फील्ड में काम कर रही है और जिसका नाम है ODM मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जिसके ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फर्स्ट क्लिक के माध्यम से आप ई कॉमर्स के फील्ड में शानदार वर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर फर्स्ट क्लिक के माध्यम से ई कॉमर्स के शानदार से रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू।